मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली ने जमकर की इस भारतीय खिलाड़ी की तारीफ। नमस्कार। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे तथा सीरीज निर्णायक वनडे में मिली जीत के बाद रोहित शर्मा के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की। उन्होंने रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि मैं रोहित के साथ बल्लेबाजी को एंजॉय कर रहा था। साथ ही कहा कि साल 2020 अभी तक रहा है शानदार। गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में भी शानदार परफॉर्मेंस के दम पर भारत ने रविवार 19 जनवरी को यहां चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला तो विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। विराट ने 3 मैचों की 3 पारियों में 61 की शानदार औसत से 183 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 101 का रहा। मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने कहा कि शिखर धवन जैसा अनुभवी खिलाड़ी का चोटिल होना टीम के लिए अच्छा नहीं था। शिखर के अलावा मैं और रोहित ही वो खिलाड़ी थे जिन्हें बड़े मैचों का अनुभव है। इसी कारण राहुल के आउट होने के बाद परिस्थितियां बदल गई थी। गेंद घूम भी रही और ग्रिप भी कर रही थी। मैंने और रोहित ने आपस में बात की, हमें मैच के अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी जिस तरह से हम पिछले 4-5 वर्षों से करते आ रहे। मैंने रोहित के साथ बल्लेबाजी का आनंद उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमने इस निर्णायक मैच में जीत दर्ज की। साल 2020 अभी तक हमारे लिए अच्छा रहा और मैं आशा करता हूं कि आगे भी अच्छा ही रहे। बता दें, भारत को पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 10 विकेटों की करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद भारत ने दूसरा वनडे जीतकर मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली थी। दोनों टीमों के बीच तीसरा निर्णायक वनडे रविवार 19 जनवरी को बेंगलुरु में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की और भारतीय को 2-1 से अपने नाम कर लिया।